बच्चों मैं आपको बीएससी जी थर्ड सेमेस्टर के यूनिट थर्ड का सोयाबीन उत्पादन की तकनीकी के बारे में जानकारी दूंगा। सोयाबीन का महत्व क्या है? हमारे देश में सोयाबीन की खेती बहुत ताज मात्रा में की जाती है, वह भी एमपी में बहुत बहुत ही अधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है। हमारे देश में सोयाबीन से ताज़ा दूध, खोवा, पनीर और कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सोयाबीन से हम आइसक्रीम या सोया सूप भी बनाते हैं। सोयाबीन से हम वनस्पति घी, रिफाइन तेल, बार्निश, पेंट्स, रंग व साबुन भी बनाते हैं। इसमें 42% प्रोटीन, 22% वसा व 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके बारे में बात किया जाए। सोयाबीन के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान चाइना है। चाइना से ही अदर देशों में सोयाबीन गया। भूम उचित जल निकास वाली दोमट व भारी दोमट भूम अच्छी सोयाबीन के लिए मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है। खेत की तैयारी, एक बार गहरी जुताई करने के बाद 2 या 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके भूम को भुरभुरी बना देते हैं, या एक ही जुताई अगर हम रोटावेटर से करते हैं तब भी खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, हम बुवाई कर सकते हैं। प्रमुख प्रजातियां, कौन सी प्रजाति मेन फैक्टर किसी भी क्रॉप में आता है? प्रजातियां, प्रजातियों का चयन, प्रजाति का चयन अगर सुचारू रूप से किया जाए तो प्रोडक्शन उत्पादन 20% अपने आप बढ़ जाता है। प्रजाति का नाम, पकने की अवधि दिन में, उत्पादन क्षमता क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जे प्रजाति का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, JS 71.5 100 से 105 दिन की प्रजाति है, 25 से 28 दिन में यह तैयार होती है। PS 564 115 से 120 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन इसका होता है। PK 262 120 से 125 दिन की प्रजाति है, 28 से 30 क्विंटल इसका प्रोडक्शन होता है। JS2 90 से 105 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 क्विंटल इसका प्रोडक्शन सोयाबीन का होता है। PUSA 20 110 से 115 दिन की प्रजाति है, 30 से 32 क्विंटल इसका प्रोडक्शन होता है। PS 1024 मध्य प्रदेश में यह बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है, 115 से 120 दिन की प्रजाति है, 30 से 35 क्विंटल इसका प्रोडक्शन होता है। PUSA 16 110 से 115 दिन की प्रजाति है, 30 से 35 क्विंटल इसका प्रोडक्शन होता है। JS 335 100 से 110 दिन की प्रजाति है, 30 से 35 क्विंटल इसका प्रोडक्शन है। NRC 37 100 से 105 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 क्विंटल इसका प्रोडक्शन होता है। बीज की मात्रा, सोयाबीन में हम 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करते हैं तो अच्छा उत्पादन होता है। बीज शोधन कर अगर हम सोयाबीन की बुआई करें तो 15 से 20% प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और बीज शोधन किससे करें? ट्राइकोडर्मा से हम बीज शोधन करें, उसके बाद फास्फेट का, अब फास्फेट का के बाद राइजोबियम कल्चर से हम सोयाबीन का बीज शोधन करें, उसके बाद दूरी, कितनी दूरी पर बुआई करें तो 45 से कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय है, बुआई का समय मेन होता है कि कब सोयाबीन की बुआई करें, तो 20 जून से 10 जुलाई तक किसी भी सूरत में सोयाबीन की बुआई कर देनी चाहिए। बुआई की विधि दो तरह से हम बुआई करते हैं, एक सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, दूसरा
रिज मेथड से बुआई करते हैं, और तीसरा जो होता है छिटकवा विधि से। तो हम सीड ड्रिल से बुआई हम कतार में करते हैं, या रिज मेथड से हम बुआई कतार में करते हैं। छिटकवा विधि अधिकतर नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वह देसी विधि है। खाद है उर्वरक, खाद हम कितना दें सोयाबीन में, उर्वरक कितना दें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हम कंपोस्ट खाद 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें, और उर्वरक में हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, और गंधक का प्रयोग 20 किलोग्राम करना चाहिए। सिंचाई हम कब सिंचाई करें, जैसे सोयाबीन खरीफ सीजन की क्रॉप है, बरसात सीजन में यह उगाई जाती है, तो इसमें अधिकतर सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर पुष्पावस्था में या बडिंग स्टेज में बरसात न हो तो 1 से 2 सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, अगर सोयाबीन में खरपतवार का प्रकोप हो गया तो प्रोडक्शन 40 से 50% कम हो जाता है। इसलिए बुआई के दो तीन दिन के अंदर, जर्मिनेशन से पहले हम पेंटीमेथिडिन का अगर प्रयोग करें तो खरपतवार उगते नहीं हैं। अगर उग गए हैं तो हम निराई गुड़ाई कर करके या हाथ से हम उखाड़ कर करके खरपतवारों को साफ कर देते हैं। अगर हम रसायन का प्रयोग करना चाहें तो नाइट्रोफेन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर करके हम खरपतवार को का नियंत्रण कर सकते हैं। रोग, मेन रोग होता है सोयाबीन में एंडोमोजैक, सोयाबीन का पीड़ा चितवर्ण रोग, यह एक कीड़ों के द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। अगर हम मोनोक्रोटोफास, इंडोसल्फान या इसका प्रयोग करें कर करके हम मक्खी को मार दें तो एंडोमोजैक का प्रकोप नहीं होगा। अगर हम पत्नी धब्बा रोग है, अगर उसका धब्बा रोग का पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप हो गया है तो हम जिनेब का प्रयोग करें। जिनेब का प्रयोग कर करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बीज पौध आर्ध गंजन का अगर प्रकोप है, डंपिंग ऑफ, तो कार्बेंडाजीन का प्रयोग कर करके इसे उपचार कर करके अगर हम बुआई करें तो पौध गंजन रोग का प्रकोप नहीं होगा। सोयाबीन के कीटों का भी प्रकोप होता है, जैसे पाट बोरर का भी प्रकोप होता है, स्टेम बोरर का भी प्रकोप होता है, और कभी कभी देखा जाता है कि एफिड का हो जाता है। तो हम सोयाबीन में कीटों का प्रकोप अगर हो गया है तो हम इंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफास या इसका प्रकोप प्रयोग कर करके हम इसका निदान कर सकते हैं। कटाई, जब हमारी सोयाबीन पक जाए, पत्तियां पिंडी पड़नी शुरू हो जाए, तो माचज 20% हो जाए, तो हम हंसिए से इसकी कटाई मानव श्रम के द्वारा करते हैं। कटाई करने के बाद हम उसको बांध कर करके रस्सी या किसी से बांध कर करके हम थ्रेसिंग फंडोर पर आनते हैं, और सुखा करके हम थ्रेसर से या ट्रैक्टर से हम मड़ाई का काम करते हैं। मड़ाई करने के बाद अगर उसमें देखिए, आप भंडारण के समय आप दानों को आप धूप में सुखा कर करके जब उसमें 10-12% आपका मॉइस्चराइज रह जाए, नमी रह जाए, तो हम जूट के बोरे में या डेहरी में हम भंडारण करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।